बहुत ही मजा आ गया देखने के बाद। बहुत दिन बाद ऐसा एक्शन एक्शन मूवी आया था। मल्टी स्टार से बजर बढ़ गया, इतना निकालना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा इसके लिए। अच्छा है मूवी, एक्शन है लेकिन मत भूल भुलैया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 5 स्टार आए, 5 एक से बढ़कर एक। किसको हम क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। ओके ओके, उतना कुछ खास नहीं है। 3 सबसे अच्छा लगा सलमान खान। सलमान खान, अक्षय कुमार। मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ सब सारे अच्छे थे। हाँ वर्थ है। स्टोरी एकदम रामायण की तरह दिखाया गया है कि जैसे सीता माँ को ले जाता है रावण, फिर राम जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, वैसे ही बहुत मस्त मूवी है। मूवी 10/10, रोहित शेट्टी जस्ट किल इट। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया। बॉक्स ऑफिस पर दिवाली के मौके पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं और ये 2 बड़ी फिल्में हैं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, जिसकी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कारण है कि सिंघम अगेन में जो बड़े स्टार्स हैं, मल्टी स्टारर मूवी है और कई बड़े स्टार्स को एक मंच पर लाकर खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी ओर भूल भुलैया जो कि सुपर डुपर हिट पहले भी इसके सीरीज रहे हैं और ऐसे में भूल भुलैया 3 को भी रिस्पॉन्स दर्शकों का अच्छा मिल रहा है। हालांकि कलेक्शन की अगर बात की जाए, एक दिन की कलेक्शन की बात की जाए तो सिंघम अगेन को 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है और वहीं अगर बात की जाए भूल भुलैया 3 की तो 34 करोड़ रुपये भूल भुलैया 3 ने कलेक्ट किए हैं। हालांकि अब दर्शकों का रिस्पॉन्स कैसा है, सिनेमा घर से जो दर्शक फिल्म देखकर निकल रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कैसी लग रही है फिल्म उन्हें वो तो हमने जाना ही, लेकिन दूसरे दिन फिल्म का क्या रिस्पॉन्स है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ जो लोग हैं वो सिंघम अगेन देख कर निकल रहे हैं। फिल्म कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी मूवी। कैसी लगी फिल्म? अच्छी मूवी है। क्या अच्छा लगा फिल्म में सबसे ज्यादा बताओ भाई? आप लोगों को क्या अच्छा लगा? अर्जुन कपूर को ज्यादा रोल नहीं दिया है और देना चाहिए था। अच्छा, अर्जुन कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी? हाँ ठीक है। कितने स्टार्स दे रहे हैं फिल्म? 5 में से 3.5। ओके, ये बताइए कि भूल भुलैया भी थिएटर्स में लगी है तो इस फिल्म का अच्छा है इससे? अच्छा, वो आपने देखी? कल ही देखे, वो ज्यादा अच्छा है इसके मुकाबले। हाँ ये भी मल्टी स्टारर है। हाँ ठीक है, चलेगा। मल्टी स्टार से बजर बढ़ गया, इतना निकालना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा इसके लिए। ठीक है, ये बताइए कैसी लगी? अच्छा है मूवी, एक्शन है लेकिन मत भूल भुलैया ज़्यादा बेटर है। सिंघम जो पहले 2 बार बन चुकी है तो क्या लगा हुआ है सब? उससे ज़्यादा एक्शन है बट पुराने वाले ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा एक्शन है, भूल भुलैया से बेटर नहीं है। बढ़िया बढ़िया है, अच्छा टाइम पास। भूल भुलैया देखिए? नहीं अभी नहीं देखी। ओके ओके, उतना कुछ खास नहीं है। 3 किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? अजय देवगन। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? कौन सबसे अच्छा लगा? सलमान खान। अक्षय कुमार। कौन अच्छा लगा मूवी में सबसे? अभी वो नहीं देखे। कौन अच्छा लगा? सब अच्छे लगे। कौन से स्टार ज्यादा अच्छे लगे? किसकी एक्टिंग पसंद आई आपका कोई फेवरेट? अक्षय कुमार। ओके, कितने स्टार्स देंगे? 4 ओके। कैसी लगी सर मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ नहीं अभी तक नहीं देखा, नहीं किसी का चुनाव किया है पहले तो ये बताइए कितने स्टार्स देंगे? 5/4 डेफिनेटली। हाँ एक्शन बहुत अच्छी थी। जी अक्षय कुमार बहुत अच्छे थे। हाँ इनके अलावा कौन अच्छे लगे फिल्म में? इनके अलावा अजय देवगन डेफिनेटली और दीपिका पादुकोण। हाँ या रिकमेंड कि आप भी जरूर देखिए जाके। ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी? कोई खास नहीं है सर। कैसी लगी सर? कैसी लगी फिल्म? एवरेज था। एवरेज है। भूल भुलैया देखी? कॉमेडी बहुत सही। नहीं भूल भुलैया नहीं देखी अभी तक। अच्छा भूल भुलैया आपने देखी? नहीं सिंघम। सिंघम हाँ सिंघम। सब सारे अच्छे थे। हाँ वर्थ है। कौन अच्छा लगा मैम? सबका ही रोल अच्छा था। हाँ अच्छा लगा? रणवीर कपूर कॉमेडी। आपको कौन अच्छा लगा फिल्म में? सारे को। अच्छा फिल्म कैसी थी? अच्छी है। और भूल भुलैया देखी आपने? नहीं। नेक्स्ट प्लान। ओके ठीक है। देखिए और भी कई लोग हैं जो निकल रहे हैं। बहुत अच्छी थी फिल्म। अच्छी थी। कौन ज़्यादा अच्छा लगा? सभी, मतलब अजय देवगन, अक्षय कुमार,
स्टोरी कैसी थी, स्टोरी कैसा लगा? स्टोरी एकदम रामायण के तरह दिखाया गया है कि जैसे सीता माँ को ले जाता है रावण, फिर राम जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, वैसे ही बहुत मस्त मूवी है। कितने स्टार्स दे रहे हैं? स्टार्स 5 out of 5। 5 out of 5 कितनी पसंद आ गई? Yes. सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे अच्छा अजय देवगन। अच्छा, ये बताइए सलमान खान का कैमियो का इंतजार कर रहे थे लेकिन लास्ट में छोटा सा रोल था बस। सलमान खान के लिए आए थे? हाँ। भूलभुलैया देखे आपने? नहीं अभी नहीं देखे। ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा था। कितने स्टार्स दे रहे मूवी? 10 out of 10। रोहित शेट्टी जस्ट किल इट, बहुत अच्छा मूवी था। सारे स्टार्स थे, मल्टी स्टारर फिल्म है और पूरा बॉलीवुड ही इसमें भरा हुआ है। और अगले पार्ट में सलमान खान को भी ऐड किया जा रहा है, चुलबुल सिंघम करके मूवी आने वाला है मैम जी। ऐसे में इतने सारे स्टार आए, सबसे अच्छा आपको स्क्रीन पर कौन लगा? सिंघम आगे जस्ट अजय देवगन और अपना अक्षय कुमार, बोथ जस्ट किल द मूवी। किसकी एंट्री सबसे अच्छी लगी, सबसे ज्यादा मजा आया? वो तो सिंघम सर का ही था, अजय देवगन, उनसे अच्छा तो है नहीं कोई मूवी में। गाने भी हैं फिल्म में? गाने नहीं है मैम, नहीं नहीं, सिर्फ पूरा ऑडियो विजुअल है जी। तो मजा आया फिल्म देख करके। पैसा वसूल जिसको बोलते हैं जस्ट वही था मैम। भूलभुलैया देखी? नहीं भूलभुलैया अभी तक नहीं देखी। देखनी है या फिर? जस्ट कल वही देखने जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू। तो देख सकते हैं साफ तौर से कि दर्शक जो फिल्म देख करके निकल रहे हैं। सर कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पैसा वसूल था? हाँ बहुत पैसा वसूल था, बहुत दिन के बाद इस तरह का मूवी देखे। सबसे अच्छा लगा हमको तो भूलभुलैया 3 ज्यादा अच्छा लगा। तो सबको अलग अलग बात मौका मिला है लेकिन भूल भुलैया ज्यादा अच्छा लगा। ये भी अच्छा है लेकिन भूल भुलैया, ये तो राम से रामायण से ज्यादा प्रेरित था मूवी लेकिन भूल भुलैया ज्यादा अच्छा लगा। इसकी अगर इस फिल्म की बात की जाए तो एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? सभी का मोर एंड लेस एक जैसा ही था। हाँ सबका मोर एंड लेस एक जैसा ही था, कोई किसी पर हावी नहीं हुआ, कोई किसी पर हावी नहीं हुआ। वो तो एक्टर जो अच्छे लगे, सारे एक्टर हमको पसंद है मैम इसमें, सारे इसीलिए देखने आए हैं। ये तो सब रोहित शेट्टी का कमाल है। हाँ 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 सब एक्टिंग, सब सारा रोहित शेट्टी का कमाल है और कुछ भी नहीं है। आप बताइए आप? बहुत ही मज़ा आ गया देखने के बाद, बहुत दिन बाद ऐसा एक्शन एक्शन मूवी आया था, कम से कम 5-6 महीना बाद आया है तो देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। आज एक साथ आए तो वो कैसा लग रहा था? इसमें तो ये देखने का तो और मज़ा आ गया क्योंकि हम लोग देखते थे किसी एक या दो स्टार के साथ, अभी 5-5 स्टार था, एक से बढ़कर एक। हम किसको क्या क्या समझे सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब एक से एक स्टार है। ऊपर से अक्षय कुमार का जो लास्ट एंट्री हुआ वो तो और उसमें 4 चांद लगा दिया। चुलबुल पांडे की एंट्री कैसी? वो तो बस हल्का सा बस ट्रेलर क्या टीजर दिखा कर गए हैं कि अगला मूवी आ रहा है उनका, वो और धमाल आने वाला है क्योंकि अंत भला तो सब भला होगा। ये बताइए कि ठीक है ये टीजर की तो आपने बात की लेकिन भूल भुलैया देखी है नहीं? वो अभी देखी नहीं है, अगला वही देखने आएंगे तब ना पता लेकिन हमको ये लग रहा है कि भूल भुलैया से अच्छा ये होगा क्योंकि वो देखे नहीं है लेकिन देख कर ही समझ में आ गया कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है क्योंकि 5 स्टार आए, 5 एक से बढ़कर 1। किसको हम क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़्यादा पसंद है? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। धन्यवाद। देखिए साफ तौर से आप देख रहे तस्वीरें कि जो दर्शक फिल्म देख करके निकल रहे थे उन्हें ज़्यादातर सिंघम अगेन ही पसंद आई है। भूल भुलैया भी हालांकि दर्शकों ने देखा है, कई लोगों की पसंद भी कुछ और है लेकिन अगर बात कर ली जाए सिंघम की या भूल भुलैया की तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि जो सिंघम अगेन है उसने 43 करोड़ की कमाई एक दिन में की है और अगर बात की जाए भूल भुलैया 3 के कलेक्शन की तो 35 करोड़ रुपए एक दिन में। अब ऐसे में दर्शक किस फिल्म को ज़्यादा प्यार दे रहे वो तो आप समझ ही गए होंगे लेकिन फिलहाल जो रिस्पॉन्स है सिंघम अगेन को वो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।